बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पारा 30 सूरतुल अलक हम कर रहे हैं और आज हम इसकी नेक्स्ट आयत को पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। كلا لئن لم ينته لنفس عن بالناصية كلا لئن لم ينته لنفس عن بالناصية। इसकी वजाहत देख लेते हैं। كلا अलिफ़ से पहले लाम पर ज़बर, अलिफ़ मद, लाम पर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, ठीक है। ला इल्लम, नाम पर ज़बर, हमज़ा के नीचे ज़ेर है और इस ज़ेर को लाम से मिलाना है नेक्स्ट, ठीक है। नून हमने बीच में से स्किप कर देना है क्योंकि मुशद्दद हर्फ अपने से पहले वाले मुतहरिक से मिलकर पढ़ा जाता है, ठीक है। इसलिए ला इल्लम याता ही, नून साकिन के बाद ता है, ठीक है। इकफा का गुना करेंगे हा की, आप ज़ेर की हरकत को स्किप भी कर सकते हैं यानी साकिन भी कर सकते हैं और हा की ज़ेर की हरकत को आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे जो है हमारे पास ला है, यहाँ पर दोनों तरफ से तरह से रुकना या ना रुकना दोनों मतलब ठीक है। लनफ्सअम, यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन है, आगे बा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इकलाब का कायदा जो है वो अप्लाई हो रहा है। नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाता है तो यहाँ पर मी नून की आवाज़ को मीम से बदल दिया जाता है और इख़फ़ा किया जाता है यानी कि गुन्ना किया जाता है, ठीक है। और एक अलीफ का टाइम देंगे, बिन नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। एक अलीफ का टाइम, अलीफ से पहले नून पर ज़बर, अलीफ मद, एक अलीफ का टाइम सियाह, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। स्वाद हरूफ मुस्तालिया, या पर ज़बर है, ता के नीचे ज़ेर है और इस गोल ता को जब हम वक्फ़ करेंगे तो ये जो है ना हाँ में बदल जाएगा, ठीक है।